मित्रों संस्कृता नमः। जैसा कि आपको मालूम है हमारा एक चैनल है एग्जाम तक, और उस चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड तैयारियां कराई जा रही हैं, जिसमें आज मैं आया हूं द्वितीय भाषा प्रथम भाषा संस्कृत को लेकर। ज्यादातर लोग जानते हैं कि संस्कृत बड़ी क्लिष्ट भाषा है, बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे, कई लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि संस्कृत जैसी सरल भाषा कोई दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती, बशर्ते हमें उस तरीके से उसे पढ़ना आना चाहिए। संस्कृत का आपका सिलेबस जो है महज एक महीने का है, एक महीने के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत अच्छा अपना पेपर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारी की सारी वीडियो हमारी सुलभता से पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि संस्कृत होता क्या है, और या संस्कृत शब्द जो है, कई लोग संस्कृत बोलते हैं, तो संस्कृत ही बोलना क्यों उपयुक्त है या क्यों सही है, तो इसके विषय में। तो संस्कृत जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें धातु से मिलकर सारे शब्द रूप बनाए जाते हैं। जितने भी शब्द आपको मिलेंगे वो किसी ना किसी धातु से मिलकर ही बने होंगे। तो आप देखें, सम उपसर्ग है, क्री धातु है, और अक्त प्रत्यय है। क्री धातु करने अर्थ में होती, और इस क्री धातु से अक्त प्रत्यय लगता है, सम उपसर्ग लगता है, तब जाकर यह संस्कृत शब्द निर्मित होता है। संस्कृत संस्कृत शब्द जो है वो क्री धातु अक्त प्रत्यय सम उपसर्ग से लगकर बनता है। संस्कृत का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ। संस्कृत, इस संस्कृत में जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे, कई लोगों को लगता है केवल अंतिम पैसेज ही आना है, 30 नंबर का आना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो केवल हमें गद्यांश ही पढ़ लेना चाहिए अथवा पद्यांश ही पढ़ लेना चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आपको गद्यांश ही पढ़ लेना चाहिए अथवा पद्यांश ही पढ़ लेना चाहिए, नहीं, आपको संस्कृत को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। क्योंकि यदि आपको संस्कृत पढ़ना आने लगती है, आपको संस्कृत का क्वेश्चन समझ आने लगता है, तो आप आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और यदि आपने केवल गद्यांश पढ़ा है अथवा पद्यांश पढ़ा है, आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आती, आपको संस्कृत समझना नहीं आती, तो आप उसको सॉल्व तो कर लेंगे अनुमानित, लेकिन आप पूरी तरह से उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले हमें संस्कृत में क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ण पढ़ना पड़ेगा, वर्ण। वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। दूसरा शब्द रूप, तीसरा धातु रूप। ये धातु रूप क्या है, शब्द रूप क्या है, वर्ण रूप क्या है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके विषय में आपको बताया जाएगा। इसमें धातु रूप के बाद आप ले लें लकार, प्रत्यय, उपसर्ग आदि आदि, ये सब हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे पढ़ने के लिए अब हम जो दूसरी वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपका पुनः स्वागत होगा इस चैनल पर। नमः संस्कृताय। संस्कृत।